संभल में एक ईओ ने कोरोना की दवाइयों के बहाने 20 लाख का खेला किया है। बगैर दवा प्राप्त किए आपदा में अफसर के मामले के खुलासे के बाद चेयरमैन ने ईओ के खिलाफ शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला गुन्नौर तहसील की नगर पंचायत बबराला का है, जहां इस पंचायत के ईओ शिवलाल राम ने 12 मई को पीएफएमएस से उत्तराखंड की एक फर्म को 20 लाख 30 हजार के पेमेंट का पीएफएमएस दिया। फाइल सामने आने के बाद चेयरमैन ने साइन करने से इनकार किया। चेयरमैन का कहना है कि 20 लाख की कोई दवा पंचायत में खरीद कर नहीं मंगाई गई, स्टॉक रजिस्टर में भी दवा नहीं आई और संबंधित पंचायत कर्मियों ने भी दवा की खरीद से इनकार कर दिया। इसके बाद चेयरमैन ने मामले की डीएम से शिकायत की, जहां पूरा मामला जांच के लिए फंसा हुआ है। आपको बता दें कि मामले के तूल पकड़ने के बाद ईओ संभल से नदारद हैं। अलबत्ता कोरोना के बहाने से 20 लाख के खेला के आरोपी ईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला यह है कि ये जो दवाइयां आई हैं अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से, हमारे और अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से जेम पोर्टल से क्रय की गई है। जेम पोर्टल से क्रय करने के बाद बकायदे समस्त वार्डो में हमारे कर्मचारी जो है सफाई नायक प्लस और मिलकर के रेगुलर दवा का छिड़काव है, जिसके हमारे पास फोटोग्राफ्स भी सारी चीजें जो शिकायतें की जा रही है निराधार है। तो ये कब दवाई कब परचेज हुई है, अब इसके पेमेंट का जो मामला आकर उलझ रहा है? ये दवाएं अभी पिछले साल की परचेज पिछले साल की हुई है, पेमेंट इस साल हो रहा है, क्योंकि पिछले साल में कोरोना काल की वजह से हमारे पास धनराशि नहीं थी, इस वजह से उसका पेमेंट नहीं हो पाया था। फिर आपके स्टॉक रजिस्टर में सब क्यों चढ़ाया कर्मचारी का भी कहना है कि दवाएं नहीं आई है सर? नहीं, स्टॉक रजिस्टर इसलिए कि कर्मचारी जो हमारा लिपिक उसने चढ़ाया नहीं था, क्योंकि ये बिल जब दिया गया जे पे होता है जिस डेट को इनवाइस जारी होता है उसी डेट से चढ़ाया जाता है। इनवाइस हमारा मार्च में जारी हुआ, तो इनवाइस जारी होने के बाद तब इस पे चढ़ाया गया था स्टॉक में। सर जैसे कि हम लोगों के पास साक्ष्य है, जिस तरह के पेपर्स हैं, सभी का कहना है कोई दवा यहाँ पर नहीं आई है टाउन एरिया में। नहीं, दवा अगर नहीं आई तो जो छिड़काव हो रहा तो कहाँ से हो रहा है छिड़काव? जो हमारे छिड़काव हो रहे हैं पर डे हो रहे हैं हर वार्डो में, जो हमारा कर्मचारी छिड़काव कर रहा है तो फर्जी तो है नहीं कि सारी चीजें छिड़काव हो रहा है, जब दवा आई तभी छिड़काव हो रहा है। यहाँ हमारा 20 लाख 30 हजार के घोटाले करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दवाइयाँ मंगवाई हैं, ना अध्यक्ष की स्वीकृति है, ना किसी फाइल पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। मैं पीपीटी जो चेक होता है हमारा, उसके द्वारा उन्होंने पूरा बिल बना के भेज दिया, साइन करने का दबाव बनाया। जब हमने अधिकारी अधिशासी से पूछा क्या कहते हैं इसके मामले में हमें वो दो जानकारी, तो उन्होंने इनकार कर दिया देने से। ये कब का मामला है, दवाएं कहाँ पर हैं ये 20 लाख रुपए की? फिर दवाई हमारे उस नगर पंचायत में आई नहीं है, हमारे बाबू ने भी मना किया है, ना स्टॉक रजिस्टर पर चढ़ाई गई है, सफाई नायक उसने भी मना किया है, जो हमारे सेकंड बाबू हैं उन्होंने भी मना किया है। उन लोगों ने लिखित में दिया है कि हमारे संज्ञान में कोई भी दवाई नगर पंचायत में नहीं आई है। तो क्या है 20 लाख रुपए 20 लाख 30 हजार का क्या कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? दवाइयों के नाम से पैसे निकाल रहे हैं। आपने कहीं शिकायत की इस संबंध में, क्या चाहते हैं आप ये बताएं? शिकायत तो की है, जिले पे भी शिकायत की है जी। क्या उम्मीद करते हैं, मतलब हम लोगों से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सरकारी धन का सही उपयोग हो और घोटाला करने वालों को सख्त सजा दी जाए, जो आगे वो किसी नगर पंचायत में घोटाला ना कर सके। नहीं, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और इस शिकायत की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है, तो जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो उसमें क्या मामला है, और अगर गलत पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर मामला तो पिछले टाइम का है, एक साल तरीक हो गया है, इसमें क्या तो नहीं, ये जो हमें शिकायत प्राप्त हुई है वो इस साल का है, और ये अभी पिछले मंथ में जो दवाएं खरीदी गई है उसके बारे में। ये पिछले मंथ का है सर? हाँ।